Dear students, welcome all of you to this English period. In the last period, we discussed about the exercises 6 and 7. So today we shall discuss about phrasal verb, exercise 4. This is very important for you. The phrasal verbs, this is very important chapter for you. You have to remember a lot of phrasal verbs and you should learn the use of phrasal verbs. I have told already to you about phrasal verbs, still I am going to revise it for your better understanding. We have to solve these verbs through translation. Translate into English. Amaku a phrasal verb body karo. Bebaharo e anusolini madhyamare. ट्रांसलेशन माध्यम रे हमको करिया को पड़िवो एवं यार व्यवहार को सिखिया पई पड़िवो ती मां शिशु टी रो जतन नियंती गोटे सेंटेंस अछि मां शिशु टी रो जतन नियंती मां शिशु टी रो जतन नियंती कोन हबो मदर लुक्स आफ्टर दी बेबी मदर लुक्स आफ्टर दी बेबी हियर The phrasal verb is look after. Look at the board. I have written some phrasal verbs on the board. Look after. Look after. Look after means jatna neba. Mother looks after the baby. Maa shishuti ra jatna niyanti. A look after ra hoji phrasal verb. Here what a general word hala care. जनरल वर्ड हला केयर किंतु वाक्य रे हम जेतो व्यवहार करिवा हम जेतो वाक्य रे व्यवहार करिवा लुक आफ्टर को मां शिशु टी रो जतन नियति अर्थात मदर इति सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हेतिबारु दि लुक आफ्टर लुक्स आफ्टर करिया पे पड़िवो लुक आफ्टर लुक्स आफ्टर हबो एडी मेन पार्टिकल दिजा लुक गोटे आफ्टर गोटे तो मेन पार्टिकल लुक रे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हे किबारो आमे लुक्स व्यवहार करू मु गोटिए गैरेज तिबा घर खोजुसी आई एम लुकिंग फॉर ए हाउस हैविंग ए गैरेज लुक फॉर इज दी फ्रेजल वर्ब लुक फॉर यार अर्थ हला खोजिबा I am looking for. Sentence ta present progressive hoci sethibe look for ta looking for hala. Then guru jana mankar adesha palana kariba uchit. We should carry out the orders of our elders. Carry out. Carry out mane adesha palana kariba. This is the phrasal verb. Se gata saptahare America jatra kale. He set out और सेट ऑफ अमेरिका लास्ट वीक सेट आउट और सेट ऑफ यात्रा करिबा गिव अवे मींस ला बांटीबा यार जनरल वर्ड ला डिस्ट्रीब्यूट गिव अवे प्रधान आचार्य पुरस्कार प्रदान कले अर्थात प्रधान आचार्य पुरस्कार बांटिले द प्रधान आचार्य गेव अवे द प्राइजेस गेव अवे सेंटेंस टा हमको सिंपल पास्ट अच्छे से थी मैं गिव अवे रु गिव अवे को गिव अवे द पास्ट फॉर्म ऑफ गिव अवे इज गिव अवे सो द प्रधान आचार्य गिव अवे द प्राइजेस बनिया जब परीक्षा घुसाई दिया गला द एग्जामिनेशन वाज पुट अप ड्यू टू फ्लड पुट अप पुट अप पुट अप Put up O F F
ड्यू टू प्लॉट बनिया जुन पुट ऑफ कहले बातिल करिवा बा घुंचाई दवा पुट ऑफ घुंचाई दवा बातिल करिवा देन रक्त मांसर शरीर ए अपमान सही पारिबो नाही द बॉडी ऑफ फ्लेश एंड ब्लड कैन पुट अप विथ दिस इंसल्ट द बॉडी ऑफ फ्लेश एंड ब्लड कैन पुट अप विथ दिस इंसल्ट पुट अप विथ मींस बियर सहिह करिबा बा सहिबा बियर यार जेदा लडला बियर सहिबा जोता पिंध ओ खेलिबा को जाओ पुट ऑन दिस शूज एंड गो टू प्ले पुट ऑन फेजर फेजर भर ला पुट ऑन पुट ऑन पुट ऑन योर शूज एंड गो टू प्ले सो राइट डाउन दिस फेजल वर्ब्स इन योर नोटबुक दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड्स बेंटिक सतीदाह प्रथा उच्छेद करिथिले बेंटिक डिड अवे विथ सती प्रैक्टिस डू अवे द प्रेजेंट फॉर्म डू अवे विथ डू अवे विथ उच्छेद उच्छेद करिबा उच्छेद करिबा डू अवे विथ उच्छेद करिबा पुलिस घटनार तदंत कले पुलिस घटनार तदंत कले दि पुलिस लुक इंटु दि मैटर दि पुलिस लुक इंटु दि मैटर इन्वेस्टिगेट लुक इंटु मीन्स है तदंत करिवा लुक इंटु तर जनरल वर्ड है इन्वेस्टिगेट लुक इंटु इन्वेस्टिगेट 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 सो फील यूजिंग दि फ्रेजल वर्ब्स गिवन बिलो गेट अप ब्रेक आउट ब्रिंग अप कॉल ऑन कम आउट कैरी आउट गिव अवे कीप अप लेट्स discuss the uses of these phrasal verbs feel using the phrasal verbs given below number 2 I dash early in the morning so we have to fill in the blanks using a right phrasal verb so I dash early in the morning I get up means la rise arthat sajya tyag kariba it general word rise get up fire dash in our village breakout started suddenly breakout means start suddenly ame ei bakya re amku started suddenly arthat fire simple past tense re kariya pai padibo सेति में ब्रेक आउट है ना प्रेजेंट फॉर्म एटा ब्रोक आउट है ब्रोक आउट फायर ब्रोक आउट इन आवर विलेज अर्थात आम गाँव रे निया हठात व्यापी गला सुरेश व्यास इज स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे सुरेश व्यास इज स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे Continued his speech on Independence Day. Continue is the general verb. So, carry on. Here, continued is the past form. So, we have to use the past form of carry on. Carried on.
C-A-R-R-Y, carry on. Insela continue. C-O-N-T-I-N-U-E. Continue. Carried on. This is the present form. But if the sentence is in the past tense, then we have to use the past form of carry. So, carried on. The past form of carry on. Carried on. Carried on. He was dashed by his grandmother. Bring up means educate. Educate.